हेलो एवरीवन। तो यार बहुत सारे लोग पंजाब आयुष की काउंसलिंग कर रहे थे, पंजाब में बीएमएस के लिए बीएचएमएस में जाना चाह रहे थे, बिकॉज बीएचएमएस की वहां पर काफ़ी कम फीस है और यूपी अभी शुरू नहीं हुआ है और यूपी से लगा हुआ पंजाब है, तो दैट्स वाई कि यार लगा कि चलो पंजाब चले जाते, बिकॉज इधर का एक मूविंग फ्लोइंग इधर पंजाब की तरफ रहता है। बिहार के जो बच्चे हैं उनके यहाँ पे कम कॉलेज है, तो एक उनको भी लगता है चलो यार पंजाब से कर लेते हैं। और पंजाब एक ऐसा स्टेट है जो कि मतलब यूपी के बाद में, अगर प्रीवियस थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में बात करें, यूपी के बाद में अगर 2017 में 18 में बात करें तो डिसक्वालीफाइड एडमिशन उस टाइम पे हुआ करते थे। पंजाब का एक बड़ा नाम हुआ करता था कि पंजाब में लास्ट तक कॉलेज की परमिशन आती रहती है, तब यूपी में इतने कॉलेज नहीं हुआ करते थे, तो पंजाब चले जाओ, बिकॉज यूपी थोड़ा सा एक सेंट्रल लोकेशन पर पड़ जाता है, तो उसमें बहुत सराउंडिंग स्टेट बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे बच्चे यूपी आ जाते थे, तो इसलिए फिर बाद में एक ऑप्शन कौन सा बचता था, पंजाब का दूर की लोकेशन की वजह से। तो यहाँ पर दो अलर्ट मैं आपको पहले दे दूँ, एक तो जो शेड्यूल देख रहे हो वो भी ब्रीफ करूंगा, उससे पहले दो अलर्ट कि जो भी आप चॉइस पुलिंग में यहाँ पर कॉलेज फिल करने वाले, बिकॉज रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका है, है ना, रजिस्ट्रेशन की डेट अब राउंड टू में दोबारा से फिर आएगी, तब कर लेना अगर आप अभी तक नहीं कर पाए हैं तो। अदरवाइज आप एक फ्री गाइडेंस फॉर्म दिया होगा या हमारी टीम को कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा, आप उनके टच में रहिए, तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी काउंसलिंग की, कब कौन सी काउंसलिंग चल रही है। तो यार रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद क्या चॉइस पुलिंग की बारी आई, 10 से 13 दिसंबर के बीच में चॉइस फिलिंग होगी, मतलब 2 से 3 दिन का ही समय मिला हुआ है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगर थोड़ा सा यार ध्यान नहीं दिया तो निकल जाएगा, बिकॉज रजिस्ट्रेशन हो जाता है उसके बाद चॉइस फिलिंग की डेट पंजाब की धीरे धीरे करके आती है। अब ये शेड्यूल उन्होंने पूरा नहीं रखा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, पहली तो ये कि डिसक्वालीफाइड एडमिशन अब होने बंद हो गए हैं, तो किसी भी कॉलेज में रिक्वेस्ट है भाई साहब कहीं पे भी पैसा मत जमा करना, अदरवाइज फंस जाओगे। यूपी के काफ़ी सारे कॉलेज में बच्चों ने पैसे जमा किए थे लास्ट ईयर, तो उनके अभी तक पैसे रिफंड नहीं मिले हैं। दूसरी चीज, आप जो भी कॉलेज यहाँ पर चॉइस पुलिंग प्रेफरेंस में सिलेक्ट करते हैं वो बड़े सिलेक्टिव कॉलेज होने चाहिए, उन कॉलेज में पहले से कॉल करके बात कर लो कि भाई हम आपके यहाँ एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, आप क्या सिक्योरिटी अमाउंट रखोगे, क्या फैसिलिटीज है, वहाँ के बच्चों से बात करो, फेसबुक में निकाल लो उनके बच्चों का, या आप डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप वहाँ के स्टूडेंट का निकाल सकते हो, है ना, तो सिंपली आपको ऐसे पता चल पाएगा कि एक्चुअल क्या सिचुएशन है। देखो पंजाब में बहुत क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, पंजाब में मतलब मैंने बोला ना कि मतलब यूपी की तरह ही है, यूपी में अगर ऊपर के टॉप कॉलेज ले लो और पंजाब के टॉप कॉलेज ले लो तो मतलब ठीक ठीक है, हम उसका पतंजलि से कंपैरिजन नहीं कर सकते, सीधे मंत्री चंडीगढ़ से कंपैरिजन नहीं कर सकते, या टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट से कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, तो ऊपर के 2-3 कॉलेज यहाँ पे अच्छे हैं, बाकी कॉलेज की सिचुएशन सेम है लाइक उत्तर प्रदेश की, मतलब मैं बोलूंगा जो कॉलेज ले रहे हो एक बार जाके विजिट कर लो, पहले देख लो कि क्या सिचुएशन है, क्या फैसिलिटीज वो प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज बीएमएस में क्या होता है ना कि छोटे ग्रुप होते हैं एजुकेशन के, तो वो आपको फंडिंग का प्रॉब्लम रहता है, दैट्स वाई कि वो ज़्यादा फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, कि फैकल्टी वगैरह है भी कि नहीं है ये भी देख लो भाई, क्योंकि फैकल्टी कम होती है, पेपर ऑन पेपर ज़्यादा होती है, तो सीट अलॉटमेंट आपका 14 से 16 के बीच में आ जाएगा। अगर हम रिपोर्टिंग की बात करें तो 17 से 21 के बीच में रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, लेकिन डीडी किस नाम पे बनवानी पड़ेगी, गुरु रविदास यूनिवर्सिटी है उसके नाम पे उन्होंने दे रखा है उनकी वेबसाइट पे, एक बार हम दिखा देते हैं, है ना, तो वो आप देख लो ताकि आपको पता चल जाएगा किसके नाम पर डीडी बननी है। आपको थोड़ा सा बस नीचे देखना पड़ेगा, मैं एक बार मार्क कर देता हूँ, ये दे रखा है यहाँ पे, तो इसके नाम पे आपकी डीडी बननी है, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपको क्या लग रहा है कि सीट मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है, कॉलेज तो काफ़ी सारे हैं भाई, उन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना जिनको NCISM से अप्रूवल मिला हुआ है, जिनको परमिशन मिली हुई है, कोर्ट वाले कॉलेज मत ले लेना नहीं तो फंस जाओगे। तो प्राइवेट कॉलेज का मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किस अकॉर्डिंग होता है, कितने परसेंट सीट के लिए हम अप्रोच कर पाएंगे अगर हम अदर स्टेट से हैं, अगर हम ऑल इंडिया कोटे की सीट लेना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कोटा है एक वहाँ पे जो वहाँ के बच्चों के लिए 50% सीट रिजर्व है प्राइवेट कॉलेज में, और रिमेनिंग 50% उन्होंने माइनॉरिटी के लिए, जो माइनॉरिटी के कॉलेज हैं उसके लिए, और या मैनेजमेंट कोटे की सीट के लिए उन्होंने दे रखी 50% सीट, उसमें से 15% सीट NRI कोटे के लिए है, ठीक है। उसके बाद में अब ये तो एक मैट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, तो आपको समझ में आ गया ना कि आपके कितने चांसेस हैं। ऊपर के कुछ कॉलेज लो जो अच्छे कॉलेज हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि भाई अच्छे कॉलेज कौन कौन से हैं, सर कहाँ पे कौन से कॉलेज रिकमेंड करने चाहिए, कैसे फिल करना चाहिए, आप हमारी टीम से बात करिए, कंप्लीट आपको काउंसलिंग में हेल्प आउट करेंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रखा है। तो वीडियो आज के यहीं तक, और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए।